हेलो फ्रेंड्स सो बाय नाउ आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ सेवरल इम्पोर्टेंट फीचर्स और एस्पेक्ट्स ऑफ ई आई ए दैट इज एनवयमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड यू नो सेवरल टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज़, प्रोसेस ऑफ ई आई ए इवन इंक्लूडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड विच हैव बीन यू नो इम्प्लीमेंटेड इन सेवरल प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन केस स्टडी बेस्ड ऑन द ई आई ए रिपोर्ट दैट इज मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट सो वी हैव टेकन यू नो सेवरल इम्पॉर्टेंट फीचर्स फ्रॉम द ई आई ए रिपोर्ट एज वेल एज अदर इंफॉर्मेशन सोर्सिस एंड वी विल पुट फॉरवर्ड यू नो हाउ दिस प्रोजेक्ट गॉट इवॉल्ड एंड वॉट आर इम्पॉर्टेंट फीचर्स हाउ दे आर एड्रेसिंग

हाउ इन टर्म्स ऑफ स्पीड इन टर्म्स ऑफ टाइम सेविंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग राइट सो दो अल्टरनेटिव विल भी डिस्कस्ड देन वी विल सी द इम्पैक्ट्स एंड मिटीगेशन मीन्स मेजर इम्पैक्ट्स एंड देर मिट्टीगेशन हाउ दे वर यू नो रिपोर्टेड इन द ई आई एसेसमेंट रिपोर्ट एंड देन पब्लिक पार्टिसिपेशन बिकॉज देट इज़ वन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट इन लास्ट लेक्चर यू माइट हैव सीन देट इफ वी गो फॉर जेन्यन पब्लिक पार्टिसिपेशन दैन वी गेट वेरी गुड फीडबैक

सिंकिस ट्रेन्स ऑफ जापान, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज बुलेट ट्रेन्स दैट टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड इन आवर केस ऑल्सो सो सेवरल टेक्नोलॉजीज वर कंपेयर्ड एंड बिकॉज ऑफ इट्स यू नो गुड फीडबैक एंड गुड रिकॉर्ड दिस वॉज सेलेक्टेड एंड देन यू नो लाइक ऑफकोर्स एज इट इज़ ऑल्सो विजिबल बाई नेम देट इट कनेक्ट्स मुंबई एंड अहमदाबाद बट देर आर सेवरल इन बिटवीन स्टेशंस विच विल ऑल्सो भी कनेक्टेड एंड द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड बाई इयर ट्वेंटी ट्वेंटी एट सो बिकॉज दिस इज चैलेंजिंग प्रोजेक्ट ह्यूज प्रोजेक्ट इट टेक्स टाइम वेल वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस शिंकन ट्रेन वाई दिस वॉज सेलेक्टेड सो यू कैन सी इट इज़ ऑल्सो नोन एज बुलेट ट्रेन इट इज़ फेमस फॉर जीरो कैजुलिटी कॉज ड्यूरिंग इट्स फिफ्टी इयर्स रन यू नो एंड टेन बिलियन पेसेंजर्स इट हैज़ कैटर्ड बट स्टिल देर इज़ नो कैजुअलिटी इन एनी एंड देर इज़ नो मेजर एक्सीडेंट्स देर मे बी लिटिल बिट सम यू नो वेरी माइनर काइंड ऑफ थिंग बट देर वॉज़ नो कैजुअलिटी अक्रॉस इट्स टाइम स्पेंड टिल नाउ प्लस यू नो वेल दिस इज दी आई मीन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शिंकनसेन सो इट इज़ लाइक न्यू ट्रंक मेन लाइन इन जेपनीज दिस नेम इज वेल सो दिस नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन दिस ई रिपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वॉज़ प्रिपेयर्ड बाई जी पी एस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सो दे वर इन्वॉल्व इन लैंड एक्विजीशन बिकॉज दे आर द यू नो बेसिक प्रमोटर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स सो द लैंड एक्विजीशन प्लान एंड रिलेटेड अदर एक्टिविटीज और डिटेल्स सो राइट्स एंड एन एच एस आर सी एल वर रेस्पोंसिबल फॉर दैट दैन वंस अदर ऑर्गनाइजेशन वॉज रेस्पोंसिबल फॉर लाइक रीसेटलमेंट एंड रीहेबिलिटेशन एक्शन प्लान दैट रेस्पोंसिबिलिटी वॉज टेकन बाई दिस आर के डिस इज अगेन वेरी फेमस ऑर्गनाइजेशन मैनेजमेंट रिलेटेड ऑर्गनाइजेशन एंड इन इफ यू सी दिस टाइम लाइन वैन इट वॉज यू नो एन विज सो दिस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन दैट इज नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इट वॉज यू नो इनकॉर्पोरेटेड इन ट्वेंटी सिक्सटीन अंडर द कंपनीज एक्ट ट्वेंटी थर्टीन दैट इज़ द एक्ट प्रोविजन वेयर

क्रिएटेड टू जॉइंट हैंड्स टू मेक दीज थ्री सेंट्रल गोरमेंट एंड टू स्टेट गवर्मेंट्स जॉइंट हैंड्स टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट एंड वॉट वॉट वर द यू नो इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एस पी वी वाई डू वी नीड सो बेसिकली दीज एस पी वीज आर जॉइंट वेंचर्स एज आई सेड एंड दीज आर लीगल एंटिटीज लाइक ए कंपनी और यू नो दैट कइंड ऑफ लीगल एंटिटी विच हैज़ सर्टेन राइट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज एवरीथिंग

so several technological innovations will be implemented in this project. so this, this is one more example or advan example of the advantage. then construction phase will employ you know around 20,000 people. so employment generation is also there. skill development uh, is also there. we will see in uh, another slide that uh, not only the skill development of the employees, but those population which will be affected, uh, this uh, project will take care of too. Enhance their skills to make them more employable. Okay. Then, uh, operations and maintenance 4000 people and 16000 indirect jobs. So, so many families will be benefited by this project. Then, it will also help in decongestion of other routes like railways, roads, air traffic, because many people will travel through this particular mode of transport very quickly. So, uh, the pressure on other modes will be released.

पर पैसेंजर पर किलोमीटर दैन वी विल हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड देन ऑफकोर्स इट विल हेल्प इन डेवलपिंग एज आई सेड न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू इनोवेशन्स सो एज आई सेड इफ यू कंपेयर इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटीज सो देर इज ह्यूज बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ लैंड यूज और ट्रेवल टाइम एंड द रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेज प्लस फ्यूल कंजम्शन सो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ दीज पर्टिकुलर डायमेंशंस नाउ द इश्यू ऑफ यू नो फाइनेंस सो द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज वेरी ह्यूज अराउंड वन पॉइंट जीरो एट लैक करोर्स ओके वन करोड़ इज हाउ मच टेन मिलियन वन मिलियन इज टेन लैख सो वन करोड़ इज टेन मिलियन सो दैट वे इट इज ए ह्यूज कॉस्ट विच विल बी देयर फॉर फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट बट

Or high-speed rail with embankments like uh, the tracks which uh, will be seen uh, picture in next slide, and bridges and tunnels, and then alternative three means no high-speed rail, just only business as usual bow scenario. So no change scenario and high-speed rail with embankment and bridges and tunnels, and high-speed rail with viaduct that is. Um, uh,

इट इज सेम टू आवर्स अराउंड एंड दिस इज एट आवर्स फिफ्टी टू मिनट्स ऑफकोर्स दैन ट्रेवल डिमांड बाई इयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पर डे दैट वॉज एस्टिमेटेड एट दैट टाइम फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड थर्टी एट थाउजेंड सो मोर पीपल विल यूज़ दीज काइंड ऑफ अल्टरनेटिवज सेफ्टी लेवल वेरी हाई सेफ्टी लेवल इन दिस बुलेट ट्रेन वेर इज इन इन कंपेरिजन टू द बुलेट ट्रेन द सेफ्टी लेवल इज लोअर इन दिस बाव सिनेरियो और बिजनेस एज यूजल सिनेरियो

पर्टिकुलर पोर्शन्स ऑफ दैट रूट सो दैट विल भी टेकन केयर ऑफ एंड लैंड यूज एज अर्लियर ऑल्सो बी डिस्कस्ड ऑनली टू पॉइंट एट हैर पर किलोमीटर इज़ बींग यूज वेयर एज इन दिस यू नो एम्बेकमेंट रिलेटेड द रूट दिस वॉज लार्जर थ्री पॉइंट टू हैक्टेयर्स पर किलोमीटर एंड द प्रजेंट वन इज़ हैविंग लॉन्गर रूट एंड अदर थिंग्स सो सेवन पॉइंट फाइव हेक्टेयर्स पर किलोमीटर फॉर कन्वेंशनल रेल लाइन वेल रेगुलेट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर लैंडर मीन्स हु सो एवर फंड्स द प्रोजेक्ट दे हैव देयर ओन कंडीशंस देर आर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस विच यू नो बोरोज टू फुलफिल सो दोज यू नो गाइडलाइंस फ्रॉम द रेगुलेट्री रिक्वायरमेंट्स आर देयर एंड देट गाइडलाइन ऑल्सो इंक्लूड्स द ई आई ए वेरी एग्जोस्टिव ई आई ए वेरी डिटेल्ड ई आई एज वर्ल्ड बैंक ऑल्सो डज सो सिमिलर जायका ऑल्सो हैज़ द

एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑक्युपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इशूज और लेबर लॉज ऑल दीज आर द रेगुलेटरी क्लियरेंसेज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन ओके सो देन यू नो सो दीज आर द एजेंसीज विच आर इन्वॉल्व फॉर ऑल दीज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्मेंट लाइक एम यू एफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देन सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स आर देयर वू आर रेस्पांसिबल फॉर पॉल्यूशन लेवल्स एंड एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी एंड लैंड एंड यू नो दैन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज देयर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज देयर सो सो मेनी एनवायारमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज ऑथोरिटीज और अदर लीगल एजेंसीज आर देयर विच हैव देयर ओन रिक्वायरमेंट्स विच आर टू बी फुलफिल प्रॉपरली ओके सो एनवामेंटल एक्ट्स कंसिडर फॉर दिस असेसमेंट व Uh, you know all these which are existing in our country like environmental protection act uh, 1986 and the wildlife protection act of 1972 maharashtra filing of trees act 1964 that that act is there so the, because maharashtra government's land will be there similarly maharashtra urban areas protection and preservation uh, of trees act 1975 and then uh, this wetlands

मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे सो दीज आर लाइक ऑल फिजियोग्राफी जियोग्राफी टेरेन ड्रेनेज सॉइल जियोलॉजी एंड सिस्मोलॉजिकल आस्पेक्ट्स ओके एंड देन लैंड यूज पैटर्स और दे देर आर यू नो कोस्टल रीजन्स ऑल्सो सो दैट दैट देट्स कोस्टल रेगुलेशन जोन इज़ ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड देन ईकोलॉजी ऑफ एवरी काइंड ऑफ सेक्शन एयर क्वालिटी नॉइज

then deforestation like uh, there are certain number of uh, you know trees or mangroves trees so all these have to be removed but uh, in place of them there are provisions that uh, you know some uh, planting of uh, additional mangroves will be done and the trees will be planted uh, in the vicinity of those areas so that compensation properly will be done

ओके दैन एनर्जी कंजम्पशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एज आई सेड बिकॉज यू नो इट विल रन बाई इलेक्ट्रिसिटी सम सोर्स विल भी देयर ऑफकोर्स लाइक फॉसिल फ्यूल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स और इट द इलेक्ट्रिसिटी कैन भी टेकन फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो बट इन टोटलिटी मीन्स बिकॉज ऑफ स्पीड हाई एफिशियंट टेक्नोलॉजी द ग्रीन हाउस गैस रिडक्शंस वीच वी हैव

Near you know eco-sensitive zones and villages etc. so the vibrations and all those uh, noise-related impacts have been taken care of with proper guidelines. So like night time piling activity will not be there. Blasting carried out only in daytime. All those uh, you know uh, guidelines are there. or Provisions are there. Then for uh, flora, so uh, forest uh, with forest officials and. Uh,

Pollution. So, these kind of things are there for fauna. So, uh, again, you know, construction activities and uh, you know some passes for uh, those uh, uh, life forms and uh, this uh, you know like uh, cleaning up of oil spills, fuels, toxic chemicals immediately uh, without leaving them, uh, otherwise, they can damage the sensitive ecosystems. So, all these things crossing structures for tunnels.

दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट इश्यू बिकॉज पब्लिक पार्टिसिपेशन मेक्स द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल इफ दे आर हैप्पी सो टेन प्लेसेज एर टेन प्लेसेज पब्लिक मीटिंग्स वर अरेंजड लाइक दिस नवसारी सूरत वला पलघार मुंबई थाने आनंद खेड़ा अहमदाबाद भरूच ऑल दीज प्लेसिस एंड पीपल वर गिवन प्रॉपर इंफॉर्मेशन सो दैट देर इज़ नो ग्रीवेंसीज और देर इज़ नो इशूज which can later emerge. and also there are issues uh, if grievances are there through ngos or activists or some organizations which are uh, working uh, among for tribal rights, etc., local culture, etc. so their issues were also properly listened and uh, they have to be taken care of. so the, this particular mechanism which, which is shown in this flow chart has been, uh, you know, several organizations and responsible एजेंसीज और पीपल वर पुट इन टूगैदर टू रिड्रेसल मेकनिज्म फॉर ग्रीवेंसेज ओके सो द इम्पैक्ट्स विच वर कंसिडर्ड फॉर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन फेज आर लाइक सोशल इंपैक्ट्स और इम्पैक्ट्स ऑन क्रॉप एंड वेजिटेशन एयर क्वालिटी नॉइज एंड वाइब्रेशन वाटर क्वालिटी इंपैक्ट्स ऑन फ्लोर एंड फोना सो ऑल दीज आस्पेक्ट्स विच आर पार्ट ऑफ द डिटेल्ड ई आई ए

टाइमलाइन फॉर कंप्लीस ऑफ प्रोजेक्ट इज शिफ्टेड टू 2028, बिकॉज ऑफ दिस नो एक्सरसाइज ऑफ डिटेल्ड डी इट वाज़ यू नो नॉन दैट सर्टेन एक्टिविटीज विल टेक मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम ओके टू एड्रेस दोज इश्यूज प्रॉपरली इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स और एनवारोमेंटल इम्पैक्ट्स टाइम इज रिक्वायर्ड सो द टाइम लाइन शिफ्टेड दैन प्रोजेक्ट पासेज थ्रू इको सेंसिटिव कॉस्टल जोन्स एंड ट्राइबल एरियाज

वी हैव टेकन इनफॉर्मेशन सो यू कैन गो थ्रू दो बिग रिपोर्ट्स एंड यू कैन हैव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इफ यू वांट टू हैव मोर डेटा बेस्ड रिपोर्ट सो थैंक यू फॉर योर कइंड अटेंशन एंड वी विल कंटिन्यू टू हैव मोर केस स्टडीज नॉट ओनली फॉर ए आई ए बट फॉर यू नो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो दैट वी कैन लर्न अबाउट देयर सक्सेस स्टोरीज और इफ़ देर आर प्रॉब्लम्स लाइक फेल्योर केसेिज दैट ऑल्सो आर द वेज टू लर्न दोज नेगेटिव थिंग्स So, we will continue these case studies further. Thank you again.